नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इज अर्निंग बाय प्रभाष पे। तो दोस्तों एक बैंक की बात करेंगे। 3 साल का वनवास टूटा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से 3 साल का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे खत्म होने वाला है। स्टॉक में बिकवाली आ सकती है और आपको क्या करना है ऐसे में, ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है और एक एक करके मैं आपको सारा अपडेट दूंगा, एक एक बात बताऊंगा कैसे कब लॉक इन पीरियड खत्म हुआ और आगे के क्या प्लान्स हैं यस बैंक के। तो बी रेडी फॉर इट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों 2 घंटे पहले अपडेट आ रहा है, आपको पता है कि यस बैंक को लॉक इन पीरियड में डाला गया था, जब सारे बैंकों ने, मोस्ट ऑफ द बैंकों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, इसको बचाने के लिए, इसको पूरी तरीके से फेल होने से बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें काफ़ी बड़ा एक्सपोजर डाला था। और उस समय देखिएगा बात ये हुई थी कि 3 साल तक ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं ये इससे अपना पैसा नहीं निकाल सकते। और आपको पता है कि 3 साल से स्टॉक अपने 20 रुपये के लेवल, 20 से 24 रुपये के लेवल से ऊपर नहीं गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब इसमें फ्री फ्लो देखिएगा देखने को मिलेगा। स्टॉक हो सकता है जाने को तो 40-50 तक भी जा सकता है और जाने को 10-5 रुपये पे भी जा सकता है, क्योंकि अब इसमें से लॉक इन पीरियड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो पाबंदियाँ थी अब ये नॉर्मल स्टॉक हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी तरीके से नॉर्मल स्टॉक हो गया है। क्योंकि यस बैंक देखिएगा लॉक इन पीरियड कब खुलेगा ये पूछा जाता था, कब ये स्कीम देखिएगा शुरू हुई थी और देखिएगा बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टॉक बहुत छोटा है, 3 साल का एक तरीके से देखिएगा जो लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब इसका टेस्ट होगा कि अब रियल में कौन इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है और कौन इन्वेस्टर इस स्टॉक से निकलना चाहता है। तो आप देख सकते हैं जो बैंक है काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिटेबल बैंक है, मार्केट कैपिटल देखिएगा 50,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखेंगे बैंकिंग की सर्विस, कॉरपोरेट की सर्विस, इंस्टीट्यूशन बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजी में एक नंबर बैंक है, एकदम एक नंबर बैंक है, आप सभी जानते हैं। और काफ़ी अच्छे देखिएगा फ्लो में भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि फ्लो में नहीं रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरी तरीके से चेकआउट करेंगे, जो लॉक इन पीरियड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। और आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो है 76% का वो DIIs के पास है, पब्लिक शेयर होल्डर्स, दैट इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 26%, ICICI बैंक 2%, LIC 4%, HDFC 3%, एक्सिस बैंक 1% और देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक 1-1.5% के आसपास। आप देख सकते हैं FIIs यहाँ पे देखिएगा 23% होल करता है, आप चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। और इसके अलावा कुछ और भी शेयर होल्डर्स हैं 30% होल्ड करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जैसे ही लॉक इन पीरियड ख़त्म होने की बात हुई है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब कुछ बैंक इसमें अपना स्टेक सेल करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा स्टेक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यस बैंक आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन अ फोकस व्हेन द इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन दिस वीक एज 3-year लॉक इन पीरियड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोजर इन यस बैंक इज एक्सपायरिंग ऑन 6 मार्च 2023। यानी कि आज पूरी तरीके से लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। और ये लॉक इन पीरियड इन इन्वेस्टर्स के लिए था कि आप 3 साल तक अपना स्टेक सेल नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी ऑब्जर्वर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपेक्ट करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने शेयर्स ऑफलोड करेगा मंडे को या फिर फर्दर। तो अगर आप देखेंगे ये जब 3 साल का समय पूरा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेल करने की बात हो सकती है, तो बाकी के बैंक भी थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर सकते हैं। और अगर करेंगे ऐसा तो आपको पता है स्टॉक में प्रेशर बनेगा। तो अब करना क्या चाहिए कि ये सेलिंग प्रेशर आके स्टॉक से निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बैंक देखिएगा छोटा है, स्टॉक जब छोटा होता है 15 रुपये के आसपास का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है,
तो आपको भी पता है कि आपको बस इसके क्वार्टर के रिजल्ट पे ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है कि क्वार्टर के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, लगातार इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो बस आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक काम करने की जरूरत है कि स्टॉक में चुपचाप बैठे रहिए। आपको पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर आएंगे, FIIs ने अपना देखिएगा स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और वो ऐसे ही नहीं बढ़ाया होगा, तो आगे चल के तो ये स्टॉक आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा। गिरावट होती है तो आपको फोकस करना है, बैठना है शांति से, दो तीन क्वार्टर अच्छे होंगे, स्टॉक आपको कम से कम 15-20% के रिटर्न बना के देगा। तो फोकस करिएगा गिरावट पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।